तो एक बहुत दुखद घटना हुई है। हमारे भाई की गाड़ी को किसने ठोक दिया है। बाकी 28 तारीख को जो शाम को 5 बजे वालिया कॉलेज में जो मीटअप है, बहुत सुपर ग्रैंड मीटअप होने वाला है। मैं निफ्टी में इस कैल पे किया बिग बॉस स्ट्रेटजी। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप आप काफ़ी अच्छा ट्रेड कर रहे होंगे। अगर नहीं कर रहे हैं तो अच्छी ट्रेडिंग हो जाएगी, बस लगे रहो। लॉसेस हर किसी को होते हैं, प्रॉफिट्स भी होते हैं। वही ट्रेडिंग में पैसा बनाता है जो लॉसेस को कंट्रोल करके प्रॉफिट्स ज़्यादा बनाता है, बस। हाँ, और ये उठ चुका है और इसका बज चुका है म्यूजिक। अपना भी ऐसे ही चल रहा है, अभी उठाऊँ मैं भाई। मार्केट पहले खुल चुका है फिर मैं उठ रहा हूँ। और ये कुछ लोग कह रहे थे सर कैमरा क्वालिटी ठीक नहीं है। भाई कैमरे की कंप्लेन आ रही है बहुत ज़्यादा। क्वालिटी स्टार्टिंग में वो करता था ना स्क्रीन, हाँ वो हमने सेटिंग वैसे उस ठीक कर दिया था हमने सेटिंग, क्योंकि मेरे को ज़्यादा खर्चा वर्चा करना नहीं आता, ये करते हैं। पहले जब मैं स्क्रीन दिखा रहा था वो ऐसे करके शटर कर रहा था, हमने जब सेटिंग ठीक किया तो अभी नहीं करता है शटर। हाँ, बट वॉइस क्वालिटी आई थिंक इम्प्रूव हो गया होगा इससे। वॉइस तो इम्प्रूव हो ही गया था, बट ठीक है। अभी मैं इसको, ये पहला दिन था तो और थोड़ा एडजस्ट करने में टाइम लग रहा है कि यार ये इसका क्वालिटी कैसे इम्प्रूव होगा। तो ये देखो, ये हम क्या होते हैं, ये हम हो गए जूम और ये हम हो गए पीछे, तो ठीक है। और बहुत भारी भी है उठाने हैं भाई। और मार्केट का, हाँ मार्केट की सिचुएशन तो अभी पूरा साइडवेज चल रहा है। सुबह सुबह 9:40-45 हो रहे हैं, फिर निफ्टी बैंक निफ्टी साइडवेज हो गया। निफ्टी में करता नहीं हूँ आज, और देखूंगा अगर निफ्टी बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी अलग चल रहा है, निफ्टी अलग चल रहा है, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो जाती है ऐसे में। और अगर अभी आपको अगर हम दिखाएं यहाँ पर सिचुएशन मार्केट की, तो ये देखो, नहीं तुम खुद देखो क्या है। बड़ी सी कैंडल बनाई अब इसी में घूमता रहेगा, बड़ी सी कैंडल बनाई अब इसी में घूमता रहेगा। और अगर मैं निफ्टी 50 को देखूँ तो निफ्टी 50 का अगर चार्ट देखते हैं तो ये फिर नेट भी इशू होता है। यहाँ दिल्ली में लगता है मुझे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है इंटरनेट का, तो उसका अच्छा होता। थोड़ा सा निफ्टी थोड़ा सा पॉजिटिव दिख रहा, देखो 59 पॉइंट चल रहा है ऊपर, है ना। और अपन ने अभी तक कुछ किया नहीं, मॉर्निंग मॉर्निंग में खाली हम चार्ट को देखने में लगे हैं और कोई ऐसा कुछ किया नहीं अभी तक ट्रेड, किसी टाइप की ट्रेडिंग हमारी नहीं हुई है। भैया चेंज तो हो जाओ, देखो ऐसे नेट में आप कैसे करोगे यार, ये थोड़ा सा सेटबैक होता है। अभी तो अभी अपनी पोजीशन अगर देखूँ अब नहीं कर रहा होगा शटर, अब ठीक ही दिख रहा होगा साथ दो। अभी ऐसे अपनी पोजीशन है तो अभी अपनी पोजीशन कुछ नहीं है अभी, क्योंकि अभी नहीं लिया है। ये रहा निफ्टी का चार्ट, ये देखो थोड़ा सा निफ्टी के यहाँ कैंडल बना के आप मूव दिया, बट इसके प्रीमियम नहीं भाग रहे हैं क्योंकि बैंक निफ्टी फिर निफ्टी हिल नहीं रहा है। तो आई थिंक यहाँ पर क्या होते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा होगा लोगों को, बट ठीक है जो भी है। और अपन करते हैं कैमरे की क्वालिटी को इम्प्रूव करने का पूरा पूरी व्यवस्था बनाते हैं। मत लिया है यार, एक पेटी का अगर कैमरा है तो फिर इससे अच्छा मैं iPhone 14 ही ले लेता। हाँ मेरे कमेंट पड़े थे, सभी कह रहे थे भाई iPhone की क्वालिटी अच्छी है, क्वालिटी अच्छी है, तो ये सोनी वाले क्या कर रहे हैं, या मुझे लेंस चेंज करना पड़ेगा। चलो देखते हैं वो करेंगे हम। सो गाइस कम हियर, तो मैं ट्रेड बताता हूँ। देखो ये है जो हमारा फिर निफ्टी के तो पता नहीं क्या ही हो रहा है। और अगर मैं बैंक निफ्टी को देखूँ, बैंक निफ्टी भी ठीक ठाक आया है। तो मैं निफ्टी में इस स्कैल पे किया बिग बास स्ट्रेटजी। देखो प्राइस रेंज बता, यहाँ से एक हेल्दी बिग बार बनाया, इस ऊपर रेंज को तोड़ा, पॉजिटिव है। इसमें एक स्केल पे किया मैंने 18,400 की पुट, उसमें तो अराउंड 30,000 रुपये का भी मेरा इस पर बन चुका है प्रॉफिट। तो वो अभी आप गाइज आप देख सकते हो इस प्रॉफिट को, जो सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग एक कैंडल के स्कैल्पिंग से बना हुआ है। पैसा लगाया है मात्र मात्र 5 लाख रुपये, 5 लाख से 30,000 रुपये बना रहा हूँ भाई कुछ सेकंडों में, बहुत मुश्किल है बाबा। तुम्हें लगता होगा स्कैल्पिंग में छोटे छोटे पैसे से बनता है, नहीं बनता है, 4-4, 5-5 लाख लगते हैं तब जाके 20-25-30 हज़ार, 50,000, 50,000 बन गया, मतलब 10% का प्रॉफिट। और 10% इनफ होता है, ज़्यादा ज़्यादा लालच नहीं रखना होता है स्कैल्पिंग में। और 50,000 कल जैसे मेरा देखा, मैंने 1,30,000 कुछ बनाया और लास्ट आवर में मैंने आपको पहले से ही बताया था कि मैं उसमें 1-1.5-2 लाख का रिस्क लूंगा क्योंकि आज मंथली एक्सपायरी है। मैंने लिया और 2 लाख के रिस्क में रिस्क लिया, इसीलिए लिया क्योंकि जान देने के लिए मैं तैयार हूँ, तो दिया। और ऐसी ट्रेडिंग की जाती है। अगर आप सोच रहे हो कि यार ऐसा हवा हो जाता है, ऐसे कर जाते हैं, रोज रोज के प्रॉफिट बनते हैं, रोज रोज जो पैसा बना के आपको दिखा रहे, रोज रोज बनता है, मेरे को नहीं पता, बट जो होती है ट्रेडिंग, जैसे होती है ट्रेडिंग वो मैं आपको बताता हूँ। ट्रेडिंग ऐसी ही होती है बॉस, कभी प्रॉफिट कभी लॉस, कभी प्रॉफिट कभी लॉस, कभी प्रॉफिट कभी लॉस। कुल मिला के आपके लॉसेस कितने कम से कम रहें, प्रॉफिट कितने ज़्यादा से ज़्यादा रहें, वो डिपेंड करता है कि आप महीने के अंदर प्रॉफिट बना के निकलोगे या लॉस में अपना महीना एंड करोगे। तो दोस्तों इधर आओ, देखो बिग बार बहुत परफेक्ट सेटअप बनाया है हमारा। ये निफ्टी में देखो प्राइस आया नीचे, ऊपर थोड़ा रेजिस्टेंस भी था, एक रिस्क भी था, लेकिन आया देन अप मूव दे दिया। बहुत सुपर मार्केट चल रहा है, देखो बिग बार बना, बिग बार के बाद 1-2-3 कैंडल में टारगेट, और
और प्रीमियम को अगर आप देखते हो कुछ इस तरीके से अपने प्रीमियम मूव किए हैं बिग बार के बाद, बिग बार बना उसके बाद देखो प्रीमियम में मूवमेंट मूवमेंट आई है, हमें स्कैल्पिंग के लिए यही चाहिए होता है। तो अभी अराउंड मैंने 95,000 का प्रॉफिट इस पर बुक कर लिया है, और फिर निफ्टी में 19,300 की जो कॉल ऑप्शन थी, इस कॉल ऑप्शन का देखो प्रीमियम, और इसी को लेके गया था मैं। जब मैंने पहले इसमें नहीं किया ट्रेन निफ्टी बैंक निफ्टी में पहले नहीं किया, पहले मैंने जो ट्रेड किया था पहला जो ट्रेड था आपको बताया मैंने किया था निफ्टी में। तो ये ऑब्जर्वेशन रहना बहुत ज़रूरी है। और निफ्टी में देखो एक बिग बार यहाँ पर बना था, ये है मेरा निफ्टी का ट्रेड जो बिग बार बना, उसके बाद नहीं गया क्योंकि उसका स्लो हो गया। बट जो स्पाइक यहाँ आया फिर निफ्टी में, इसलिए मैं इसमें गया हूँ क्योंकि एक बार जहाँ आपको मूवमेंट मिले ना इंडेक्स कोई सा भी जिसमें मूवमेंट मिल रही हो उसमें ही घुसना पड़ता है, क्योंकि आप स्कैल्पर हो। आप अगर एक इंडेक्स पकड़ के चलोगे कि इसमें आएगा आएगा ऐसा नहीं है। मैं निफ्टी पकड़ना हूँ जबकि मैं निफ्टी आज करता नहीं हूँ, और फिर निफ्टी कर रहा हूँ क्योंकि फिर निफ्टी फ्राइडे को फिर निफ्टी ही करता हूँ। फिर निफ्टी में 65 और इसमें अराउंड हो चुका है हमारा 30,000 का, तो ऑलमोस्ट अभी हम 95,000 चल रहे हैं। और दोस्तों एक बहुत दुखद घटना हुई है, हमारे भाई की गाड़ी को किसी ने ठोक दिया है। तो आज ही गाड़ी रैप हो, आज ही हम जाएंगे, कौन सा नाम है रे, क्या नाम है, कस्टम गैराज एलवीस यादव वाला। ओह हेलो काला कपड़ा, क्या नाम है उसका, किसका गाड़ी क्या है, कस्टम गैराज, कस्टम गैराज किसका है एलवीस यादव, मतलब वो प्रमोट करते हैं उसे, तो पता नहीं मुझे उनका ही होगा। तो भाई तुम्हारा भाई जाएगा कस्टम गैराज एलवीस यादव भाई के वो गैराज में है, और वो उन्होंने कहा है कि वो जो हिंदू वाला स्टीकर है फ्री में लगा, तुम्हारा भाई लगाएगा। गाड़ी ठोकी है, ठोकने से पहले आदमी कोई सोचेगा भाई, मतलब ठोकी क्या है, ठोकी होगी हमने रोड पर खड़ी करी थी, मेरी गलती होगी, कोई ऑटो वाला पीछे लिया हो उसने महंगा नीचे डेंट मारा, हल्का सा इतना सा डेंट है, लेकिन जो उसका दर्द है ना यार स्टार्टिंग के एक दो महीने तो दर्द होगा, लेकिन तुम्हारा भाई पहले सिरेमिक कोटिंग करवाएगा फिर मैं उसको मैट ब्लैक की रैप, निकला है ना भाई निकला है ना, तो जाएंगे यार भाई, ऐसा नहीं होगा। और हाँ एक और आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ, हमारा मीटअप ग्रैंड था वो सुपर ग्रैंड हो गया है। सुपर ग्रैंड बोले तो उसमें वेल्थ सीक्रेट, आपने चैनल देखा होगा वेल्थ सीक्रेट, आप लाइव देखते होंगे उनका, वो भी अब हमारे साथ मीटअप में ज्वाइन हो रहे हैं। तो वो पोस्ट आपको मिल गई होगी, ग्रैंड मीटअप, सुपर ग्रैंड मीटअप एट मुंबई, और कॉलेज मैंने आपको वालिया कॉलेज ऑफ आर्ट मैंने आपको बता दिया है, तो वहाँ सभी के सभी पहुँच जाओ संडे को 5 बजे, करते हैं कुछ धमाल, मज़ा ही आ जाएगा भाई। यंग सारे के सारे यंग ट्रेडर, बहुत मतलब मेरे को तो यकीन नहीं होता भाई मैं उन लोगों के साथ ऐसे बैठ के, मतलब हम बातें करेंगे अपने, मतलब कई आ जाओ आ जाओ जल्दी आ जाओ। मैगी सर आ देना हमारे उसमें आ रहे हैं सर, तो मैं तेरा सर को देख रहा हूँ, लेकिन अपना तो हो गया सौदा भैया, अपन ने तो जो सुबह ट्रेड किए थे वो हो चुके 95,000, चलो देख लेते हैं, चलो दीपक सर को देखते हैं, दीपक सर की उसमें कुछ करेंगे हम लाइव ट्रेडिंग, सर्च करता हूँ उसको, मैं अभी सर्च करता हूँ लाइव, दीपक सर कर रहे थे परसों, हम दीपक सर से मिले थे। IFW का टारगेट है 443 पे आ गया था, 7 पॉइंट। चलो 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 खुलो 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 खुलो, देखो इन्वेस्ट हो, दीपक सर लाइव चला भी, हम उस दिन दीपक सर से मिले थे, तो दीपक सर से कुछ करते हैं लाइव में चैट। बट अगर ये इसके ऊपर सस्टेन कर गया फिर 44,000 भी दिख जाएगा, वो बड़ी बात नहीं है। कुछ बताओ ना क्या करें, ऑप्शन में ट्रेड करने के लिए भाई इंडेक्स का चार्ट ही देखना सही रहेगा। सर कुछ बताओ ना क्या करें सेकंड हाफ में, सर सर का रिएक्शन देखता हूँ। चलो हम एक कमेंट कर दिया भाई मैंने, सबसे पहले एक लंबी सांस लो और घबराना नहीं है, स्टॉक बनना रेड, अबे यार सड़ने पड़ना था, तुम कहाँ पढ़ रहे हो दोस्तों, रेट पड़ गई है, घबराना नहीं है, रेट पढ़ लिया, कैसे हो ब्लॉग अच्छा बनाया था उसने हमने तो दोस्तों अभी हम चल चुके हैं सीपी की तरफ, अपन को कल निकलना है मुंबई को, तो अभी मैं सीपी की ओर जा रहा हूँ, और मार्केट आप देख रहे होंगे, आई होप आप काफ़ी अच्छा पैसा छाप रहे होंगे, जिस तरीके का मार्केट चल रहा है मंथली एक्सपायरी के बाद से बूम है, खड़ा बाजार चल रहा है सीधा सीधा। अगर आप ऐसे मार्केट में भी अगर आप पैसा नहीं बना रहे हो, या ऐसे मार्केट में अगर आप लॉस लेके बैठ रहे हो, इट मीन्स कहीं ना कहीं गलती हो रही है, तो उस गलती पर इम्प्रूवमेंट करो। बाकी अभी अपन चलते हैं मार्केट को, मार्केट में देख ही रहा हूँ, मैंने सुबह जो 95,000 तक का किया था वह उसी पर टिका हुआ हूँ मैं, है ना, अराउंड 95,000 अभी भी मेरा वही चल रहा है, उसी पर ही टिका हूँ, ज़्यादा मैंने अभी कुछ किया नहीं है, चढ़ गया है ठीक है, मैं घुसता नहीं, मेरे ज़्यादा फोमो आता है ना कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, तो उस पर जाता नहीं हूँ मैं ज़्यादा लेने के लिए, मेरे को मेरा जितना मेरा सेटिस्फाइड अमाउंट मिल गया है उतना काफ़ी है, लेकिन मार्केट एक डायरेक्शन में भाग रहा है, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो मैं अब देखूंगा 3 PM के बाद अगर कुछ बनता है, तो अभी कभी निफ्टी रुक जा रहा है तो बैंक निफ्टी चल रहा है, कभी बैंक निफ्टी रुक जा रहा है तो निफ्टी चल रहा है, तो
मतलब थोड़ा सा एक होता ना फोमो में ट्रेड मत किया करो कि अब ले लेता हूँ निकल रहा है, जब ऐसा फियर वाला एक फोमो वाला इमोशन आ रहा है तो नहीं करना है ट्रेड, ठीक है। तो अपने दो ट्रेड थे, अच्छे खासे ट्रेड चले और उन्हीं ट्रेड्स को मैं कैरी कर रहा होता ना अभी, तो मेरे पास अराउंड अभी एक तरीके से मान लो 5-6 लाख के आसपास का प्रॉफिट सीधा सीधा चल रहा होता है। बट अपन स्केल पर है तो मैं वो उसको कभी ना रिग्रेट करता हूँ ना कभी देखता हूँ, जो मेरे पीएनएल पर मैंने क्लोज करके बना लिया वही मेरा फाइनल है, उसके बाद मार्केट मेरी तरफ से कहीं भी जाए। तो अभी अपन यहाँ पर थोड़ा सा चल रहे सीपी की तरफ, और यहाँ जाम पता ही है आपको दिल्ली के अंदर जो जाम लगता है, ट्रैफिक रहता है बहुत ज़बरदस्त रहता है। तो अभी हम चलते हैं सीपी और हमने कुछ सामान लेना है फिर से वहाँ से, और गाड़ी को भी शायद मैं कल दे दूंगा इस पर पीपीएफ मैट, मैं भी दिखाऊंगा कहाँ ठुकी है गाड़ी। तो बताओ आज क्या लेना है, आज क्या किया जाए शॉपिंग? 95,000 तो बने हैं अपने, वो लेना एसेसरीज नहीं, वो जो हाथ में पहनते हैं जिलेनियर वाला ऐसे ऐसे गले में चमकता है ना, ना वो नहीं चाहिए पसंद मेरे को। लेकिन अभी मार्केट कुछ तगड़ा चल रहा है भाई, लोगों मुझे लग रहा है बिग बार में बहुत ज़बरदस्त पैसा छापा है लोगों ने, क्योंकि जितनी बिग बार बनी है उसके बाद हर एक बिग बार के बाद कैंडल भागी ऊपर। तो जितने लोग बिग बार पर काम कर रहे, करो पैसा बनाओ, बैक टेस्ट करो, फॉरवर्ड टेस्ट करो भाई। अपना तो अभी देखते हैं, कुछ होगा पैसा तो मैं कुछ खरीदूंगा ट्रेडर्स स्टाइल हक्स स्कैल्पर। लेकिन जो प्रॉफिट था उसमें से आधा चला गया, और लास्ट ट्रेड में ये निफ्टी को उठाया था 3 PM पे, लेकिन कैंडल नीचे आ गई मैंने काट दिया तो हो गया। अभी अब हम क्लोज कर रहे हैं 25,000 रुपये मार्च। अब हम करेंगे अगले हफ्ते ट्रेड, क्योंकि तो आज है फ्राइडे, लेकिन अगले हफ्ते तुम्हारा भाई बहुत ज़बरदस्त ट्रेडिंग करने वाला है। इस हफ्ते तो ऐसे ज़्यादा हुए ये तो देखो यार, ये पड़ा है डेंट वाला, यहाँ पर पिछला है उसको ठीक कराना पड़ा। सुबह ऑटो वाला मार के गया है इस जगह पे, ऑटो वाले ने पहला है, किसने पहला खड़ी गाड़ी में पीछे लाया। कितना हो रहा है दर्द? बयान नहीं कर सकता भाई दर्द को, बयान नहीं किया जा सकता। क्या हुआ? तो दोस्तों अपना गाड़ी का डेंट मैंने तुम्हें दिखाया, बहुत ऐसा डेंट मारा है, लगा है किसी से वो पीछे ऐसे ठोक रखा, पीछे को आया होगा शायद तब ठोका है। याद होता है कुछ दिन तो दर्द होगा फिर आम बात हो जाएगी वो। लेकिन अभी अपना जो ट्रेड अपन क्लोज करें आपको पता ही है 25 पर क्लोज कर रहा हूँ। ये लास्ट एक ट्रेड में थोड़ा सा सोचा था इसको कैरी करने का, मैं 3 PM के बाद में 3 PM पर थोड़ा रिस्क लेता हूँ। वो रिस्क मैंने लिया, कल भी लिया था सेम चीज़, आज भी लिया सेम चीज़ हुआ, बट आज मैंने उसको टाइम से कट कर दिया था, क्योंकि जब 3 PM कैंडल बनने के बाद अगर उसकी नेक्स्ट कैंडल या उसकी 3 PM जब कैंडल बनती है उसके बाद नेक्स्ट 5 मिनट की दो कैंडल अगर आपके डायरेक्शन में मूव नहीं कर रही है, अंगेंस्ट मूव कर रही है, आप ट्राई करें वहाँ से कट करने की। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, आपके ऑब्जर्वेशन क्या कहती है वो आप अपनी एनालिसिस पर देखना, बट मेरी ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग नहीं किया था तो मैंने उसको काट दिया ट्रेड को, टाइम से कट कर दिया, क्वांटिटी बड़ी रखी। बट कोई नहीं, अभी हम 25 पर आज क्लोज कर रहे हैं। बाकी आप लोग ऐप डाउनलोड करके देखो, ऐप के अंदर 28 तारीख को ही शायद वीडियो आउट हो जाएगा, इंट्रो वीडियो रिलेटेड टू द फ्री लर्निंग जो मैं कोर्स लेके आ रहा हूँ आप सभी के लिए, वो आउट हो जाएगा। बाकी 28 तारीख को जो शाम को 5 बजे वालिया कॉलेज में जो मीटअप है, बहुत सुपर ग्रैंड मीटअप होने वाला है। अब मैंने आपको बता दिया नाम कौन कौन है, वेल्थ सीक्रेट, यंग ट्रेडर विराज और ट्रेडर्स पैराडाइज और आपका अपना भाई स्टॉक बर्नर, सब वहाँ आके एक गेट टुगेदर करेंगे। आप सभी आओ, आप सभी इनवाइटेड हो, और मिलेंगे बातचीत करेंगे और फिर तो आपको पता ही क्या क्या हम करते हैं वहाँ पे। बाकी जिसको ट्रेडिंग करनी है, ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है, वो अपना डीमैट अकाउंट खोल सकता है, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से अपना डीमैट अकाउंट खोला। और मैंने बिग बाद पर आपको आज ट्रेड्स दिखाए थे, मैं तो थोड़ा ट्रैवल कर रहा, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, उसके साथ साथ भी ट्रेडिंग चल रहा है, तो ट्रेडिंग ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन कुल मिला के धीरे धीरे अपना प्रॉफिट ही आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं। बाकी आप ऐप डाउनलोड करके रखो और डीमैट अकाउंट खोलो, सीखे बिना बिल्कुल कुछ मत करना। बाकी मेरे चैनल को शेयर लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, घंटी बटन को दबाओ, 200K सब्सक्राइबर हम पहुँच जाएंगे बहुत जल्दी, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।